भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्क स्टोनिस के खेलने पर सस्पेंस बन गया है। स्टोनिस सिडनी में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। चोट की वजह से बीच ओवर में मैदान से बाहर जाने के बाद उन्हें एहतियातन वापस नहीं बुलाया गया। देर रात स्टोनिस का स्कैन कराया जा सकता है। स्टोनिस को गेंदबाजी के दौरान साइड इंजरी की वजह से वापस लौटना पड़ा। भारत के खिलाफ दूसरा वनडे रविवार को सिडनी में होना है, ऐसे में उनके इस मैच में खेलने की उम्मीद कम है। पहले वनडे स्टोनिस ने 6.2 ओवर में 25 रन दिए, इसके बाद वे बॉलिंग नहीं कर सके। ग्लेन मैक्सवेल की ओवर की बची हुई 4 बॉल फेंकी थी। बल्लेबाजी के दौरान स्टोनिस पहली ही बॉल पर आउट हो गए थे। 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 374 रन बनाए थे। कप्तान एरोन फिंच और स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक जड़े थे। जवाब में टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 308 रन ही बना पाई।